इन्हें आप लोगों का मौका जिंदाबाद 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 ए बी एस ए जिंदाबाद 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 ए बी एस आप भी आए हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना है? कि पहले नागराज के नाम से एक जजमेंट जाना जाता था सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक सरकारें कुछ शर्तें मंजूर नहीं करती तब तक रिजर्वेशन नहीं प्रमोशन नहीं होगा शुल्कास्त्र और शुल्काई के लिए। उसके बाद में एक रिव्यू पिटीशन आया, राज्यों के पिटीशन आए और सभी को सुनवाई गई और सुनवाई जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नागराज के नाम से जो जाना हुआ जजमेंट है वो गलत है, उसको खारिज करवाए। लेकिन दरमियान के बीच कई लोगों को जो है वो डिमोशन किया गया था। आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहां जिस जजमेंट के मुताबिक इनको डिमोशन किया गया था वही जजमेंट खारिज की गई है तो इनको दोबारा उसी पोस्ट पर लाना ज़रूरी है और उनकी नियुक्ति वहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ सरकारें कर रही है, राज्यों की सरकारें कर रही है, लेकिन कुछ राज्यों की सरकारें कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसको लागू नहीं कर रही है और इसलिए विभिन्न संगठन जो है वो आज आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो नया जजमेंट आया है जिसने नागराज के जजमेंट को ख़त्म करवा दिया तो हम लोग को डिमोशन किया हुआ वो दूर करे और हमको उसी पोस्ट पर ले आए, इसी मांग को लेके आज ही आंदोलन। सर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से सरकार के सामने बात रखेंगे कि मांग की? क्योंकि हम लोग सरकार के सामने जो है वो विनती करते रहेंगे क्योंकि लड़ाई तो कर नहीं सकते, डेमोक्रेसी में लड़ाई नहीं होती है, तो विनती ही सरकार से करते रहेंगे। वक्त देखेंगे सरकार मानती है नहीं मानती है। हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग कंटेम्प्ट पिटीशन डालें क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ पिटीशन डालना उसका मतलब यह है कि 2 महीने की सज़ा उसमें होती है। तो मुख्यमंत्री को किसी कटघरे में खड़ा कर, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को खड़ा करना हम लोग उचित नहीं मानते हैं और इसलिए ये तुरंत मुख्यमंत्री इसको इस बात को समझे कि वो कंटेम्प्ट की पिटीशन में हम तक ना ले जाए, वरना अपने अधिकार हासिल करने के लिए अगर कंटेम्प्ट करने की परिस्थिति आए तो मुख्यमंत्री पर भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आरक्षण की बात हो गई, दूसरा जो दलितों को जो है सरकार नहीं नौकरी में कर रही प्रमोट कर रही है और दूसरी चीजें पदों को नहीं भरे जा रहे हैं सभी पदों को, देखिए शुल्काई की जो समस्या है वो जनरल समाज की भी समस्या है जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक 22% पोस्ट वीकेंट है SC/ST जी, आधे से ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर भरे हुए हैं, 4-5 हज़ार रुपये को लेके उनको ये है। सरकार खुद ही मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है उल्लंघन कर रही है और इसलिए जो सरकार सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखती है, सरकार प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना चाहिए लेकिन वेलफेयर के लिए देखना चाहिए। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते निकलते जा रहा है और सरकार जो है प्रॉफिट की तौर देख रही है, इसलिए ना खुद रोजगार दे रही है ना कोई ऐसी परिस्थिति बना रही है कि जिससे लोगों को रोजगार मिलता रहे। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन चाहे शुल्कास्त्र हो जनरल हो दोनों में काफ़ी बड़ी पैमाने पर आ रहा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन सर और सर ये दलितों की जो लड़ाई है इसको सर आप कैसे आगे ले जाएंगे, जो चुनाव में जो है 2019 की चुनाव में भी जो है? देखिए हम लोग पहली जो है वो संविधान बचाने की बात है जी, क्योंकि संविधान अगर बचता है तो मैं समझता हूँ कि सबके अधिकार बचते हैं। आज जो है सिर्फ शुल्का शुल टाइप के ही अधिकार की चर्चा होती है लेकिन जिस तरह से किसानों के लिए यहाँ की मंडियों पर जो पाबंदी थी और इस मंडियों की पाबंदी पे जो बीच में संशोधन करते हुए उसको ओपन किया गया है, ये मेरे ख्याल से किसानों के खिलाफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मिनिमम प्राइस आने के बाद भी उसको लागू करने के लिए कोई यंत्रणा दिखाई नहीं देती है जी। तो ये संविधान अगर बचता है तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ हर वर्ग को जो है वो अपना अधिकार संविधान से मिलता है और वही बरकरार रहे, यही हमारी पहली जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी को फिर अदा करने के लिए
वक्त वक्त पर जो पॉलिटिकल स्टैंड लेना होगा, सोशल स्टैंड लेना होगा, वो हम लोग जरूर लेते हैं। धन्यवाद सर। सर आपका मानना है कि संविधान देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं है? देश में लागू है, लागू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भैया किसानों की बात यहाँ पर थी, तो इस संविधान ने ये कहा था कि भैया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगा वो सिर्फ सरकार करेगी, प्राइवेट फर्म नहीं करेगा। बीच जो है 1990 में जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक गैट का जो एग्रीमेंट हुआ, उस गैट के मुताबिक उस सरकार के लिए कि भैया अनाज जो है वो बाहर से आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो ये हम लोग ये गलत मानते हैं कि जब आप पर एक जिम्मेदारी है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना सरकार की है, और उसके लिए MMT जैसे और STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उसका माध्यम ना लेते हुए कुछ पूंजीपतियों के लिए जो सरकार पूरी तरह से झुक गई है, और उसे मैं प्रकाश राव अम्बेडकर जी, सुपुत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं हमारे इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने के लिए। पूरे महाराष्ट्र की ओर से और पूरे देश के बुद्धिजीवियों की ओर से यहाँ पधारे हैं। ये जो आंदोलन है साहब, इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों 75 जिलों से यहाँ लोग पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँचे हैं, और इसमें जो ये हमें जो यहाँ रैली रखनी पड़ी है, संपूर्ण अधिकार महारैली, ये अपने आप में स्पष्ट है कि SC BC और माइनॉरिटी के अधिकारों में कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, अधिकार कहीं ना कहीं दिए नहीं जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें SC BC माइनॉरिटी के सभी अधिकारों की बहाली करें, और अगर ये सरकारें बहाली नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से संविधान की जो शक्ति जनता के पास है, संविधान ने जो शक्ति जनता को आंदोलन करने की दी है, अपना विरोध करने की दी है, दमनकारी नीतियों का विरोध करने की दी है, हम उस शक्ति के तहत अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2 माह पूर्व आदेश जारी किया गया है पंक्तियों में आरक्षण देने का, वो आज तक कुंडली मार के बैठे हुए, हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चाहेंगे कि वो तत्काल पंक्तियों में आरक्षण का आदेश जारी करें, और जो लोग डिमोशन कर दिए गए थे 2015 में, उन लोगों को उसी पदस्थिति में ला करके उनको आगे के लाभ दें। दूसरे इस देश के अंदर जो आरक्षण का विरोध हो रहा है, SC ST Act का विरोध हो रहा है, भारतीय संविधान का विरोध हो रहा है, वो ये एक किस्म से ये भारतीय संविधान का विरोध देशद्रोह है, देश संविधान के ऊपर हमला देशद्रोह है, और अगर ये हमला जारी रहेगा तो निश्चित रूप से इस देश की जनता जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है वो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी, और जो इस देश के अंदर जो आरक्षण के विरोध के लिए नई नई विधियां लाई जा रही हैं उसका हम विरोध करेंगे, और हम SC BC माइनॉरिटी के संपूर्ण अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे लड़ते रहेंगे। और इस देश के अंदर जो EVM की व्यवस्था लाई गई है संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को डकारने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, वो मेरी मर्जी की सरकार नहीं बनने देना चाहते, इस EVM व्यवस्था का हम विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि बैलेट पेपर से उसका चुनाव हो, देश की जनता की मर्जी की सरकार बने, देश की जनता के लिए सरकार बने, जनता के द्वारा जो सरकार बने वो देश की जनता का काम भी करे, तो ये हम इसका करेंगे। और दूसरा ये हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पट्टों की ज़मीनें जो 42 साल पहले पट्टे दिए गए थे भूमिहीन किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, वो भूमिहीन किसानों से पट्टे छीने जा रहे हैं, तालाब के नाम पे, चारागाह के नाम पे, वन भूमि के नाम पे। हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दमनकारी नीति को वापस ले, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो भर्ती के नियम बदल दिए हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के का सहारा लेकर के, सरकार इस दमनकारी नीति को वापस ले, हमें SC BC के लोगों को वहाँ पे 49.4